लाल सागर में यमन के हूती के हमलों के बीच पश्चिमी देशों के जहाज लगातार मैदान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हूती ने इजराइल और पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर हमले रोके नहीं हैं। हाल ही में हूती ने लाल सागर में बुल्कार साइक्लेट्स पर एक बड़ा हमला किया था और इसके साथ ही हूती ने दो अमेरिकी युद्धपोत पर भी एक बड़ा अटैक किया था। लेकिन इन हमलों के बीच हूती ने एक नया वीडियो जारी किया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि लाल सागर में उसे कोई हरा नहीं सकता। जी हाँ, ईरान के इशारों पर चलने वाले हूती ने अब बुल्कार साइक्लेट्स पर ड्रोन अटैक का वीडियो रिलीज किया है जिस पर माल्टा का झंडा लगा हुआ था। हूती के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक ड्रोन जहाज की तरफ नीचे उतर रहा है और वो इसी दौरान बल्क कैरियर पर हमला भी कर देता है। हूती का दावा है कि ये वीडियो MV साइक्लेट्स का है। इस वीडियो पर दिख रहे टाइम स्टैम्प में 29 अप्रैल 2024 की तारीख और समय 9:39 और 9:42 दिख रहा है। ये टाइमिंग ड्रोन के फटने के पहले की टाइमिंग बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी 29 अप्रैल 2024 को यमन के लोकल टाइम सुबह 10 बजे और शाम 5:20 पर हूती के हमले की सूचना दी थी और इसी वक्त हूती ने 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 ड्रोन्स को यमन के भीतर से साइक्लेट जहाज पर दागा था। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली थी। आपको बता दें कि इससे पहले सेंटकॉम ने कहा था कि उसने सुबह 7:49 पर हूती के ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया था जो अमेरिकी युद्धपोत USS फिलीपीन सी और USS लेबून की तरफ दागे गए थे। इस हमले में भी किसी को कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई थी। हालांकि अभी तक इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पहली बार है जब हूती ने इस तरह के हमले का कोई वीडियो फुटेज जारी किया हो।